नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं बी न्यूज। आज मैं एक ऐसे जगह खड़ा हूं जहां कुंवारी बेटियों का पूजा पाठ किया गया और किनके द्वारा किया गया सब कुछ बताएंगे। कहा जाता है हिंदू धर्म में मिट्टी से लेकर आसमान तक सभी का पूजा पाठ की जाती है, दिन निश्चित होता है। इस नवरात्रि के 10वें दिन कुंवारी कन्याओं को पूजा पाठ की जाती है, उनकी पैर पखारा जाता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हम जानेंगे कि आज यहाँ पर जो देवरिया जनपद में भुजौली कॉलोनी में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहाँ लगभग 1000 के आसपास बेटियों को अंग वस्त्र दिया गया और इनके पूजा की गई। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं और ये प्रेरणा कैसे आई कि बेटियों को इस तरह से सम्मान करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए? ये हम लोग तीसरी वर्ष ये लगातार हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। बेटियों के प्रति भारत नारी प्रधान देश है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। इस प्रेरणा के तहत हम एक इस समाज में यह सूचना देना चाहते हैं कि अगर हम कन्याओं का पूजन कर रहे हैं तो उनको देवी के रूप में देखें, माँ बहन के रूप में देखें, क्योंकि हम लोग के भी घर में माँ बहन है। इस समाज में जो बढ़ रही कुरीतियों को लोग इस कार्यक्रम से देख के सलाह लें कि वो बेटी हमारे भी घर की बेटी है, इसी को देखते हुए यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित। जिसे हमने कहा कि सनातन धर्म में जमीन से लेकर आसमान तक की पूजा की जाती है, हर दिन एक निश्चित होता है। तो आज हम ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बेटियों का सम्मान किया है तो अपने मुख से क्या कहेंगे कि आने वाले भविष्य में जो युवा है इसी तरह से बेटी माता बहनों के सम्मान करें, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने वही बोला है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से ले आओगे, यही मेरा स्लोगन है और यही मेरे। ठीक है भैया, मैं आपसे बात करना थोड़ा सा आगे आ जाएगी। थोड़ा सा हमने जैसे जाना कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कुछ लोग ऐसे कट्टरपंथ होते हैं जो आपस में विवाद का कारण बनते हैं, लेकिन आप हैं कि कहा जाता है गंगा जमुना की तहेज पर आप हैं, दोनों धर्मों को लेकर चलते हैं, किसी धर्म की आपकी बुराई नहीं है। हर समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो गलत आवेदन पेश करते हैं, गलत वार्ता करते हैं, हर धर्मों में है। उनसे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं है, वो कहते रहेंगे और कहते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, इससे हमारे देश और हमारे लोगों पे फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान एक है, नेक है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों का योगदान है और हिंदुस्तान के जैसे पूरे मुल्क को उठा के देखिए, पूरे वर्ल्ड को उठा के देखिए, हिंदुस्तान से अच्छा और सच्चा कोई देश नहीं है। एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप हिंदू देवी देवताओं का पूजा करते हैं, इसको लेकर आपके परिवार या आपके जो मजहब के लोग हैं वो विरोध नहीं करते हैं? हम तो पैदा इसी समाज में हुए, इसी धरती पे हुए, इन्हीं लोगों के बीच में हुए, हमें तो नहीं लगता कोई फर्क है। वो हाथ जोड़ के ईश्वर से मांगते हैं, हम हाथ खोल के अपने अल्लाह से मांगते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना हमारे परिवार के लोगों ने कभी रोका है ना टोका है। इसकी प्रेरणा हमें हमारे पिताजी से मिली है, इसमें कोई बट लेक की नहीं है। मदरसा भी हम चलाते हैं, मस्जिद का भी देख रेख करते हैं, ये भी हम करते हैं। हमारी मार्बल की दुकान है, टाइल्स की दुकान है, वहाँ से मूर्तियाँ हम लोगों को निःशुल्क देते हैं, कभी पैसा किसी से नहीं लिया। देवी देवताओं का पोस्टर हमने दिया, कभी किसी से पैसा नहीं लिया। रामपुर मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्रतिमा बहुत बड़ी हमने मंगवा के दिया, लगा हुआ स्थापित है रामपुर में। वहाँ के भूतपूर्व चेयरमैन गुप्ता जी आए हुए थे, पैसा देने की कोशिश की, हमने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा नहीं, मैं भगवान की कीमत नहीं लगा सकता, हमारी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं भगवान की कीमत लगा सकता हूँ और भगवान की कीमत कोई दे सकता है। हमें लग रहा है कि आप जैसे लोग हो तो भारत में किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं रहेगा, मजहब को लेकर तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ जाए उस धर्म का हम सम्मान कर रहे हैं, आपका ही गुण है। बेशक। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कलाम आजाद हमारे इसी देश के हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा हमारे रतन टाटा जी हैं, हमारे नजर में उनके बाद रतन टाटा जी की इज्जत है, जो देश के लिए किए हैं और करके गए हैं देश के लिए। हमारे देश के जवान जो सरहदों पर रह रहे हैं, कई हजार उन्होंने टैंक दिए अपनी तरफ से निःशुल्क, वाटरप्रूफ जैकेट दिया उन्होंने देश के लिए। हमारे रतन टाटा जी ने बहुत किया और हमारे अब्दुल कलाम आजाद ने भी बहुत किया। ठीक है, ये लोग हमारी प्रेरणा है और हमारे देश के स्तंभ है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि इनका साफ कहना है कि हम
जिस तरह से अपना धर्म को मानते हैं उसी तरह से अन्य धर्मों को भी मानता हूँ। आज आप लोगों ने कितनी बेटियों के लिए व्यवस्था किया था और कितना हुआ? अभी हमने बताया ना कि 501 यह लक्ष्य था 501, लेकिन जो आयोजक बजरंगी मणि हैं उन्होंने कहा कि 800 से ऊपर कन्याओं को हम लोगों ने उपहार दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन माताएं बहनों ने अपनी बेटियों को यहाँ भेजा है वो भी पूजनीय हैं कि हम कहाँ अपने अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज इस देश में हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो बेटियों पर पहले बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती थी, लेकिन आज बेटियों के नाम से ही सब कुछ, मकान मोदी जी दे रहे हैं तो बेटियों के नाम से, डाकखाने में ये राशन कार्ड दे रहे हैं तो बेटियों के नाम से, जो भी योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं, खाता खुल रहा है तो माताओं बहनों के नाम से जो भी योजनाएं ले रहे हैं वो केवल जागरूकता फैलाने के लिए आ रहा है कि गर्भ में ही बेटियों को जो मारा जाता है वो इस वो भ्रांतियां यहाँ से समाप्त हो और लोग जागरूक हों कि बेटों से बढ़ के भी बेटियां हैं। क्योंकि बेटी ऐसी होती है कि हर किरदार को निभाती है, कभी एक बाप की बेटी होती है तो कभी एक युवक की पत्नी होती है तो कभी एक बेटी की माँ होती है तो एक बेटी की माँ होती है, ये बेटियां हैं हमारी देश की। आप देख ही रहे हैं क्योंकि आप भी इस देश में रहते हैं, जो पहले स्थिति थी आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज जब बेटियां हो रही हैं तो लोग खुशी मना रहे हैं। जिसके घर बेटी नहीं है वो सोच रहा है कि हमारी एक बेटी अगर हो जाती तो हम भी जो है कुछ उस बेटी के लिए करते, नहीं तो वो दूसरे के यहाँ जाके और बेटियों के लिए करता है कि माँ हमको भी एक बेटी दे दे। और आज के दिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको यह अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसा आयोजन आप सभी करें। रमेश वर्मा, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने देखा कि ये नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जी के द्वारा ये बताया गया कि बेटियां सम्मानजनक होती हैं, बेटियों का इज्जत करना कितना जरूरी होता है। वहीं तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।